दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज देश के माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने डॉक्टर्स से मीटिंग करा और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर उन्होंने गहन विचार किया। क्योंकि पूरे देश में यह बात फैली हुई है कि मेडिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है, सरकारी तंत्र फेल हो चुके हैं, डॉक्टर्स की कमी है, बेड की कमी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग काफी तादाद में मर रहे हैं। इस पर गहन चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि अब 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी 1 मई से टीका दी जाएगी। टीका देने की बात पर जोर दिया गया और जांच की बात पर जोर दिया गया, साथ ही साथ स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया गया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए और क्या व्यवस्था की जाए जो आम लोगों को तकलीफ न हो, और सुदृढ़ व्यवस्था किया जाए, चरमराया हुआ व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो यह बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि अब तक 45 साल से ऊपर वाले को टीका देने की बात थी, लेकिन अब 18 साल के ऊपर वाले को टीका देने की बात सामने आ गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बात पर जोर दिया। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ, अब सारे लोग टीका लेंगे जान बचाने के लिए, लाइन में लग के जैसे भी हो टीका लेने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।